अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइपिंग जॉब के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं टाइपिंग जॉब फ्रॉम होम। इस वीडियो में मैं आपको टाइपिंग जॉब से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगी जहां पे आप काम करके मंथ का इजीली से जो है 50 to 70,000 अर्न कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताती जाऊँ, जो मैं आपको प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ वहाँ पे आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपका एक रुपया जो है ना वो नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं है, फिर इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं जी टाइपिंग जॉब के बारे में, जिसको हम कंटेंट राइटिंग भी कहते हैं। जितनी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे आपको एक छोटा सा क्विज पास करना होता है इंग्लिश का, उसके बाद जब आपको अप्रूवल मिलती है फिर आपको यहाँ पे टास्क मिलते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो हमने टाइपिंग जॉब गेन करनी है जिस वेबसाइट से, उसका नाम है जी प्रो राइटर। ठीक है जी, प्रो राइटर जो है इस वेबसाइट का जो है नेम है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रो राइटर वेयर फ्रीलांस राइटर्स प्रमोट एंड फाइंड वर्क। यहाँ पे जो फ्रीलांस राइटर होते हैं ना वो प्रमोट किए जाते हैं और उनको जो है ना वो वर्क दिया जाता है करने के लिए। लेकिन अभी हम इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, पहले हम इसकी ऑथेंटिसिटी देखेंगे फिर हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने स्कैमेट वेबसाइट पे फोन किया और वहाँ पर जाकर मैंने इसका जो है ना पहले ट्रस्ट स्कोर चेक करना है, फिर हमने इसके ऊपर जो है ना वो काम करना है ताकि हम लोगों को जो है ये ना हम यहाँ पे काम करें और हमें यहाँ पे काम करने के पैसे ना मिले, इसलिए हमने पहले इसकी जो है वो ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। तो ट्रस्ट रेटिंग आप देख सकते हैं इसकी हाई है और ये माइट बी सेफ, ट्रस्ट स्कोर 100/100 है, इट्स मीन ये आपके लिए सेफ है वेबसाइट काम करने के लिए। तो मैंने इस पर मूव ऑन किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट वेबसाइट पे प्रो राइटर की। तो ये प्रो राइटर का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो चुका है, ये इसका आइकॉन है प्रो राइटर का। अब फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स बोर्ड फॉर प्रोफेशनल राइटर्स, आपको यहाँ पे फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स मिलती हैं फॉर प्रोफेशनल राइटर्स के लिए। अब आप ये बात बताती जाओ, यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपने साइनअप कैसे करना है, कि थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं फिर हम इसको जो है ना वो साइनअप करते हैं। अच्छा जी, प्रो राइटर्स गेट हायर एट, ये सब इनका आप देख सकते हैं। वट मेक प्रो राइटर डिफरेंट, क्या चीज़ इस वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से डिफरेंट बनाती है, ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट योर फ्री अकाउंट नाउ, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे आपकी फ्री रजिस्ट्रेशन होगी, एक रुपया जो है वो नहीं लगेगा। अच्छा जी, प्रो राइटर हेल्प्स राइटर्स लाइक यू अर्न मोर गिग्स एंड हायर पे आउट। यस, प्रो राइटर गिव यू द मोस्ट must have tools, strategies and skill you need to find, apply and land high paying writing gigs. मतलब ये वेबसाइट आपको अच्छा पे करती है। अच्छा, how can be 100% sure pro writer is a good fit for you? कैसे आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट आपके लिए 100% right है, ये आपके लिए राइट है? प्रो राइटर इज राइट फॉर यू इफ यू आर ऑडी टू से गुड बाय फॉर एवर टू लो पेइंग एंड लो क्वालिटी राइटिंग क्लाइंट्स हु डू नॉट वैल्यू योर स्किल्स। मतलब ये जो वेबसाइट है ये आपकी स्किल को वैल्यू देती है। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपको कम पे किया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं आप उसको स्किप करके इसको ज्वाइन करें, आपको ये वेबसाइट अच्छा पे करेगी। इफ यू वॉन्ट टू ग्रो योर राइटिंग स्किल्स, यू आर सीरियस अबाउट बिल्डिंग अ रियल बिजनेस, यू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई हैं, तो आपको यहाँ पे इसका प्ले करके इसका डेमो भी चेक कर सकते हैं आपने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। जस्ट मैं आपको इसका जो है गो थ्रू करवा रही हूँ के जी यहाँ पे आपने काम कैसे करना है। अब हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं जी रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो मैंने साइन अप क्लिक कर दिया, साइन अप क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगी। प्रो राइटर सोर्स फॉर प्रोफेशनल फ्रीलांस राइटर, तो आपने यहाँ पे एज अ एम्प्लॉय काम करना है, एज अ राइटर काम करना है। मैंने यहाँ पे एज अ
राइटर काम करना है, तो आई एम अ राइटर, ठीक है। आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, आपने यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड पुट करना है और आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए जी, आपने 3 स्टेप्स कर ली करने हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने 1 स्टेप कर लिया है, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, सिलेक्ट योर इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बात आती है कि आप किस टॉपिक के ऊपर लिखना चाहते हैं। आप अकाउंटिंग भी लिखना चाहते हैं, एग्रीकल्चर भी लिखना चाहते हैं, आर्ट्स भी लिखना चाहते हैं, बैंकिंग भी लिखना चाहते हैं। तो जिस भी चीज़ में या टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप इसमें अच्छा लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी कैटेगरीज आपको सारी नीचे से यहाँ पे मिलेंगी जिसके अंदर आप लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो रैंडम एक सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपने 5 इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है, तो हेल्थ एंड फिटनेस सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लाइफस्टाइल को एक सेलेक्ट कर लिया, आपने 5 अपने इंटरेस्ट सेलेक्ट करने हैं। फिर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सेलेक्ट कर लिया, मेडिकल को सेलेक्ट कर लिया, पेट्स एंड एनिमल को सेलेक्ट कर लिया, तो 5 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए अपने इंटरेस्ट। फिर उसके बाद मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फ्रीलांस राइटिंग, आप कब से काम कर रहे हैं। तो अब आपका जितना एक्सपीरियंस है आपने यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपके पास कोई भी इंटरेस्ट वो नहीं है ना एक्सपीरियंस, आप यहाँ पे ये भी ले सकते हैं नो एक्सपीरियंस, अगर 1 साल का तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद What would you like to achieve with pro writer? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया to find and land writing job। मैं यहाँ पे writing job करना चाहती हूँ। How did you hear about pro writer? तो मैंने यहाँ पे लिखा जी मैंने Google के थ्रू उसको find out किया। उसके बाद What is your writing skill experience? अगर आप content writer हो तो भी यहाँ पे apply कर रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन सी skills हैं। आपको अगर SEO अच्छी आती है तो आप लिखेंगे लॉर्ड्स के में, SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आप लॉर्ड्स पर क्लिक करेंगे। अगर अगर आपको इतनी अच्छी नहीं आती तो आप सम पे क्लिक करेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी इसका नॉलेज नहीं तो आप जो है वो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह आपने सारी चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टेंट लॉर्ड्स पर क्लिक सेलेक्ट किया, एफिलिएट मार्केटिंग सम एनालिसिस सम रिसर्च पे मैंने लॉर्ड्स पर क्लिक किया, क्रिएटिव राइटिंग, ये वही स्किल्स हैं जो एक कंटेंट राइटर के पास होती हैं। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना कि आपके पास कौन कौन सी स्किल जो है ना वो ज़्यादा और कौन कौन स्किल कम है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू टू फाइनल स्टेप पे मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, अब ये जो है ना अकाउंट पेड भी है, प्रीमियम भी है, फ्री भी है, लेकिन मैं जो है वो फ्री वाला ही यूज़ करना चाहती हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे है ना थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है कि अगर प्रीमियम है तो आपको $47 पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन फ्री है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप फ्री वाला ही अकाउंट यूज़ करें। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया चूज़ प्लान पे, मैंने फ्री वाला प्लान जो है ना वो सिलेक्ट किया है। अब बात आती है जी हमने यहाँ पे फाइनल क्या चीज़ हमारी रहती है। अभी हमारा अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो चुका है, ये हमारा है डैश बोर्ड, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने अपना पोर्टफोलियो ऐड करना है। पोर्टफोलियो क्या होता है, हम जिसे हम कहते हैं सैम्पल वर्क, जो आपने इस वेबसाइट पे अप्लाई करने से पहले आपने कौन कौन सी जो है ना जगह पे अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आपने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, आपने उनको कंटेंट लिख के दिया होगा, तो आप उनका कंटेंट जो आपने पहले प्रीवियस आपका सैम्पल वर्क होगा आपने यहाँ पे वो ऐड करना है, जिसको हम पोर्टफोलियो भी कहते हैं और सैम्पल भी कहते हैं। उसके बाद आपने पास इंग्लिश टेस्ट, आपने एक इंग्लिश का टेस्ट पास करना है, फिर उसके बाद आपको उसकी अप्रूवल मिलेगी। तो ये जो है आपकी जो है प्रोफाइल जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी। लेकिन अब आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट भी नज़र आ रहे हैं, लेटेस्ट जॉब लिस्टिंग, अब आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहे हैं, प्रोजेक्ट भी नज़र आ रहे हैं, राइटिंग के 30 फ्रीलांस आर्टिकल राइटर्स, री राइट नीडेड, डर्माटोलॉजी राइटर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट राइटर्स, SaaS writers looking for writer to write surfer SEO content, finance writers। तो अब आपको यहाँ पे projects में नज़र आ रहे हैं जो इस websites के हैं, लेकिन आप इस project पे तब तक apply नहीं कर सकते, तब तक आप जो है ना इसकी काम नहीं कर सकते जब तक आप जो है वो कुछ steps इनके नहीं करेंगे। like जिस तरह आपने यहाँ पे क्या करना है जी, पोर्टफोलियो ऐड करना है, उसके बाद आपने एक इंग्लिश का टेस्ट करना है। इंग्लिश का टेस्ट करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, इसकी अप्रूवल मिलेगी।
तो मैं पोर्टफोलियो के पोर्शन में मैंने क्लिक किया है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे अप्रूवल लेने के लिए आपने क्या करना है जी, अपने पोर्टफोलियो ऐड करने हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं चेकलिस्ट इन रिव्यू वेरिफिकेशन, 3 स्टेप में आपकी यहाँ पे अप्रूवल होगी। तो गेट स्टार्टेड चेकलिस्ट, अब आपने क्या करना है कि सारी चेकलिस्ट आपने कंप्लीट करनी है। कैसे करनी है, सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है ना वो वेरीफाई करना है, ठीक है जी, ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। उसके बाद टेक एंड पास इंग्लिश क्विज, आपने एक इंग्लिश का क्विज देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, आपने ऐड ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जिसमें आपने अपना मोबाइल नंबर भी इनको प्रोवाइड करना है। लास्ट में ऐड एटलीस्ट 9 क्लिप्स, मतलब कि आपने यहाँ पे जो है ना पोर्टफोलियो जो है ना 9 ऐड करने हैं इस वेबसाइट पे। उसके बाद ये क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी। तो अब हम बात करते हैं जी इसके ऊपर पोर्टफोलियो की। तो आप देख सकते हैं ये पोर्टफोलियो का पोर्शन ओपन है। तो लाइक जिस तरह भी यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो ऐड करना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगर आपका पोर्टफोलियो कोई पब्लिश है तो आप उसका लिंक जो है ना या URL यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपलोड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हैं। लाइक जिस तरह मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो कोई भी पोर्टफोलियो जो मेरे पास पड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आपके लैपटॉप में जो पड़े होंगे आपने वहां से इसको अपलोड कर देना, ठीक है जी। पोर्टफोलियो के बाद जी है, फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है जी, आपने अपना इंग्लिश का टेस्ट देना है। इंग्लिश का टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई हुई है कि इंग्लिश का टेस्ट आपने कैसे पास करना है। आपने इंग्लिश का टेस्ट जो है ना वो पास करना है ChatGPT की मदद से। ChatGPT क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, वो आपको काफी हेल्प करता है फ्रीलांसिंग के टेस्ट पास करने के लिए। तो अब आपको बताती जाऊँ यहाँ पे टेस्ट के बारे में, थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। टेक एंड पास है इंग्लिश टेस्ट, थोड़ा इसको बारे में आपको गाइड कर दूँ। अच्छा जी, ये आप देख लें जी, द प्रो राइटर कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वेटेड एंड क्वालिफाइड राइटर्स। बिफोर यू गेन एक्सेस टू द कम्युनिटी यू विल नीड टू कम्प्लीट द इंग्लिश टेस्ट। आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा। द टेस्ट विल बी कम्पोज ऑफ 3 सेक्शंस, टेस्ट के 3 सेक्शंस होंगे एंड शुड नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में टेस्ट पास ना किया तो आपको सेकेंड अटैम्प्ट में भी टेस्ट पास करने का कहा जा सकता है। तो आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो आपका टेस्ट जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया है, टेस्ट आप ChatGPT की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट आपने कैसे पास करना है, पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये भी नहीं पता कि पोर्टफोलियो हम कैसे ऐड करें, अगर आपके पास पोर्टफोलियो भी बने नहीं है, तो आप ChatGPT की मदद से पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। आपको पूरा लिखा लिखा है आर्टिकल जो है ना वो मिल जाएगा ChatGPT पे। अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखी तो काइंडली वो देख लिया, मैंने वीडियो बनाई हुई है कि ChatGPT पे बगैर किसी स्किल के हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। ये सारे क्या हैं जी, ऑर्डर्स हैं जिन पे आप काम नहीं कर सकते जब तक आपने यहाँ पे जो है टेस्ट वगैरह क्लियर नहीं किया होगा। तो लाइक जैसा ये एक प्रोजेक्ट है, तो इस पर मैंने क्लिक किया हुआ है, या आप कह सकते हैं ये ऑर्डर है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, ये एक डर्मेटोलॉजी राइटर्स है, ये ऑर्डर्स हैं, मैं बार बार कह रही हूँ ऑर्डर्स जिन पे आपने अप्लाई करना है, ये डर्मेटोलॉजी राइटर्स इनको चाहिए। उसके बाद जो है रिमोट, मैंने पहले बताया ये रिमोट जॉब होती है। उसके बाद अवेलेबिलिटी फुल टाइम और ड्यूरेशन 3 से 6 मंथ के लिए इनको फ्रीलांसर चाहिए। अच्छा जी, उन्होंने यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। उनको स्किन से रिलेटेड डर्मेटोलॉजी, मतलब स्किन से रिलेटेड कोई राइटर चाहिए जो स्किन से रिलेटेड लिख सके। उसके बाद जो है उन्होंने सब चीज़ें यहाँ पे शेयर की हुई है, जो आपके रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब पे एलिजिबल हैं, कि आप इस जॉब पे अप्लाई करें, तो आप अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे अप्रूवल लेने के लिए आपको चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे। जब तक टेस्ट क्लियर नहीं होगा, आपकी यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलेगी और आप यहाँ पे अप्लाई करके जॉब गेन नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है ना, आपने एक पोर्टफोलियो ऐड करना है। पोर्टफोलियो आपने ऐड करने के बाद टेस्ट पास करना है। और फिर जब टेस्ट पास कर लेंगे, तो जितने मैंने आपको ऑर्डर दिखाए हैं यहाँ पे, इन ऑर्डर्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जॉब गेन कर सकते हैं, जब आपको इसकी अप्रूवल मिल जाएगी। तो आज की वीडियो मेरे आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।